बिग बॉस 16 एक्सटेंड होने पर क्या प्रियंका चौधरी ने अपनी फीस बढ़ा दी है? आखिर कितनी रकम लेंगी पर वीक? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सीज़न है पिछले दो सीज़न से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सुपर हिट बन गया है ये सीज़न और TRP अच्छी आ रही है, कंटेस्टेंट्स भी इंटरेस्टिंग है और सभी अपना अपना गेम खेल रहे हैं और कुछ ही मतलब 4 हफ्ते पकड़ लीजिए फिनाले हैं और फिनाले को लेकर तो एक्साइटमेंट है ही कि कौन जीतेगा, किसके हाथ ट्रॉफी आएगी ये सभी। लेकिन जब बिग बॉस ने घर में अनाउंस किया था कि ये जो सीज़न है एक्सटेंड किया जा रहा है, तब तो हो गया था अनाउंसमेंट। लेकिन अभी बीच में एक और खबर आ रही है कि अब फिर से मेकर्स एक्सटेंड करने का सोच सकते हैं। फिलहाल प्रियंका, MC स्टैंड, शिव ठाकरे, सुमूल, इन सभी ने इनकार कर दिया क्योंकि उनके खुद के बाहर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम होना शुरू इम्पॉर्टेंट है। और इसी के चलते आपको बता दूं कि एक और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, फिलहाल इस पर हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये है खबर कि जो प्रियंका है वो एक्सटेंशन पर 10 लाख पर वीक चार्ज करने वाली है। जी हाँ, जो एक्सटेंशन बढ़ाया गया है तो 10 लाख पर वीक करेंगी चार्ज। अब देखते हैं कि क्या ये बात सच है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनके साथ साथ क्या बाकी के भी कंटेस्टेंट ने अपनी फीस बढ़ाई है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके हिसाब से क्या प्रियंका ने और उनके जो मेकर्स जो टीम है, मैनेजर टीम है, क्या सही डिसीजन लिया है या नहीं, और क्या प्रियंका डिजर्व करती हैं? हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा।